रहमानुर्रहीम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने रनअप को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। रनअप एक ऐसी चीज़ है फास्ट बॉलिंग के अंदर कि अगर आपका वो रनअप दुरुस्त हो जाए ना तो आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आपकी फिर बॉलिंग के अंदर पेस भी आ जाएगी, आपकी बॉलिंग के अंदर लाइन और लेंथ भी आ जाएगी, आपके रनअप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रनअप को कैसे इम्प्रूव करते हैं और रनअप का क्या रोल है? रनअप का रोल ये है फास्ट बॉलिंग के अंदर कि अगर किसी फास्ट बॉलर का रनअप जो है बिल्कुल ठीक है तो वो अपनी एवरेज स्पीड से ज़्यादा स्पीड से बॉल करने की सलाहियत ना भी हो तो बॉल करवा सकता है। अगर किसी बॉलर के पास अच्छा रनअप नहीं है, बेशक वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसकी फास्ट बॉलिंग में तजर्बा कितना ना हो, वो अच्छे तरीके से बॉल को नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर आज हम सीखेंगे यही कि फास्ट बॉलिंग में रनअप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ दो ड्रिल्स बताऊंगा कि आपने कैसे अपनी फास्ट बॉलिंग के रनअप को बेस्ट करना है और आसान तरीके से आपने कैसे अपनी फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव करना है। बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फास्ट बॉलिंग के अंदर पहले नंबर पे क्या आता है? फास्ट बॉलिंग आपने करना रनअप के अंदर यूं करना है आपने कि जब आप भागेंगे ना, पहले नंबर पे जो टेक्निक है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने दौड़ने के लिए आपने अपना डिस्टेंस तय कर लिया है, यानी कि आपने पता चल गया आपको कि मैंने क्या करना है, यानी कि कितनी दूर से मैंने भागना है, आपने 15 कदम से भागना है, 20 से भागना है, 10 से भागना है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना रनअप जो है वो रखते हैं अपने लिए। मेरा तो तकरीबन 17 और 16 के अंदर होता है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ। आपने स्टार्ट में ये करना है कि जब आप भागेंगे ना बॉलिंग के लिए, जब आपने रनिंग करनी है फास्ट बॉलिंग के लिए, आपने जो रनअप का स्टार्ट है वहाँ पर खड़े हो गए, आपने छोटे छोटे कदम लेने, ज़्यादा तेज़ नहीं भागना, छोटे छोटे कदम और स्लोली थोड़ा बेंड होके झुक के भागना है, यानी कि इस तरह से होके फिर आपने भागना है, यानी कि इस तरह बिल्कुल अकड़ के आपने नहीं भागना है, ठीक है? तो पहले नंबर पे ये होगा। दूसरे पे फिर आपने करना है नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे पहले छोटे छोटे कदम, फिर जो ही आप थोड़ा सा आपने डिस्टेंस तय कर लिया तो आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे, तो आपने नॉर्मल हो जाना है, यानी कि छोटे थे अभी थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर आपने क्या करना है, जब आप विकेट के करीब पहुंच जाएंगे ना, यानी कि आपने बॉल डिलीवर करने वाले हैं 5 या 10 फीट जो है पीछे रहते हैं अभी, तो फिर आपने थोड़े लंबे लंबे कदम लेने शुरू कर देने, लंबे लंबे कदम लेने। आप जब आप बड़े बड़े कदम लेंगे ना तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपने बॉल को डिलीवर करना होगा ना तो आपको एक पूरा एक रिदम मिलेगा, आपको पूरी एक ना क्या कहते हैं स्टेमिना मिलेगा, बॉल को आप बिल्कुल फोर्स के साथ और ज़ोर के साथ बॉल को कर सकेंगे और बॉल में स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा आएगी, और किसी भी बॉलर की स्पीड उस वक्त तक इंक्रीज़ नहीं हो सकती है जब तक उसकी बॉलिंग में रनअप अच्छे तरीके से नहीं होगा। ये पहली ड्रिल है यार, बड़ी कमाल की है, इसको फॉलो करना है, पक्की बात है, ये काम करती है, ये कोचेज की बताई हुई है। फ्रेंड्स, दूसरे नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, सेकंड ड्रिल ये है कि आपने जब भागेंगे ना रनअप के लिए, जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ एक चीज़ फॉलो करनी है और आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है, वो क्या है, यानी कि अपना वेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना है। आगे की तरफ ट्रांसफ़र कैसे करना है, यानी कि जब आप भागेंगे ना बिल्कुल स्ट्रेट आपने नहीं भागना, थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर और बेंड होकर भागना है। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पीड भी बॉलिंग की इंक्रीज़ हो सकती है और आपका रनअप बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पाँव हैं, आपके फीट हैं, वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग के लिए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग होगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा भागेंगे और आपकी रनिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी ना, तो फिर आप जब बॉलिंग करेंगे ना, बॉलिंग करते वक्त आपको पूरी एक फ़ोर्स मिलेगी, यानी कि जब आप बैंड होकर भाग के आ रहे हैं पूरी एक फ़ोर्स मिलेगी आपको बॉल फोर्स के साथ करने के लिए, पूरी फोर्स के साथ आप बॉल करेंगे ना तो यकीन माने इतनी ज़्यादा स्पीड निकलेगी इतनी आपने डिजर्व भी नहीं की होगी, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सोचा से मतलब, यानी कि मेरी स्पीड बिल्फर्ज करें 120 है और मैं अगर मुसलसल 30 डेज इसको प्रैक्टिकली करता हूँ तो मेरी स्पीड 125-130 तक पहुँच सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है, तो आपकी भी ज़रूर हो सकती है। दो ड्रिल्स से बड़ी काम की ड्रिल्स हैं, ठीक है दोस्तों। अपना वेट आगे की तरफ ट्रांसफ़र करके अपने भागना है, और जो पहले मैंने मेथड्स आपको बताए हैं, यानी कि पहले छोटे छोटे कदम, फिर थोड़े बड़े, फिर उससे थोड़े बड़े कदम लेके आपने फास्ट बॉलिंग को करना है। रनअप को जब आपने करना है तो आपने ये नहीं करना है कि स्टार्ट से ही फास्ट शुरू, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने बिल्कुल ही आराम से भागना है स्टार्ट में, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बिल्कुल बड़े, और जब आपने बॉल डिलीवर करनी है और आपने थोड़े अपने रिस्क का भी यूज़ करना है, ठीक है, यानी कि रनअप लेके आए और इसको फेंका, ये आ गया, तो इस चीज़ का थोड़ा यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा ना ज़ोर से लाने की कोशिश करनी है। ये देखें, ये बॉल है, यूँ यूँ जब आप बॉल को फेंक देंगे ना
बड़ी ही यकीन माने स्पीड से बॉल निकलेगी। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी तो यार कमेंट करो, और रुको रुको बात सुन के जाना। बात यह है कि हमारे चैनल के ऊपर एक बिल्कुल मुकम्मल सीरीज चल रही है फास्ट बॉलिंग की, ये उसी की एक वीडियो है, ठीक है। अगर आप बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर तमाम वीडियोस आपको मिलेंगे। और धीरे धीरे मैं वीडियोस आस्ता आस्ता वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमारी ग्रिप बॉल के ऊपर इस तरह से हो चुकी हैं, और ये थी हमारी रनअप के ऊपर वीडियो जो मैंने सिर्फ आपको बोल के बताया है। और अगली वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकली करके आपको दिखाएंगे कि अपने रनअप को हम कैसे और किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें ये वाली ड्रिल्स बिल्कुल नहीं होंगी, 3 से 4 ड्रिल्स होंगी और वो बिल्कुल नहीं होंगी, शायद ही वो यूट्यूब के ऊपर शेयर की गई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।